जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, यदि आप भी इस बार बीएड करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस बार बीएड के एडमिशन को लेकर कुछ रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं। तो वो क्या है पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ। तो साथियों, बात करते हैं कि क्या रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं। सबसे पहला है जो आपका फीस को लेकर। साथियों, इस बार बीएड के काफी अच्छे एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरे गए थे, एग्जाम भी हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। अब इंतजार है काउंसलिंग का। लेकिन अब यहाँ पर इस बार किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको एडमिशन लेने से पहले, उसकी हम बात करते हैं। साथियों, सबसे पहला फीस को लेकर है। कॉलेज आपको, यदि आपका अच्छा स्कोर आया है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो वेल एंड गुड। वहां पर गवर्नमेंट में जो फीस होती है वो आपका 10,000 से 12,000 के आसपास होती है, वहां पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, आप किसकी तरफ जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाते हैं। तो वहां पर आपको इस बार किन किन बातों का ध्यान रखना है उसकी हम बात करते हैं। साथियों, यदि हम बात करें जो फीस है बीएड के कॉलेजों की, अप्रोक्सीमेटली यानी कि जो फीस डिसाइड की हुई है गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो वो फर्स्ट ईयर की फीस है आपकी 51,250 रुपए पूरी, और सेकेंड ईयर की जो फीस होगी वो आपकी 30,000, यानी कि 81,250 पूरे कोर्स की आपकी फीस होगी। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन फीस है वो आपकी अलग होती है। अब यहाँ पर कॉलेज क्या टोपी बनाते हैं, क्या आपको लालच देते हैं, यानी कि जनरल ओबीसी कि जी हम आपका एडमिशन जनरल और ओबीसी वाले बच्चों का भी या एससी एसटी का भी 10,000 प्लस आपकी स्कॉलरशिप पर एडमिशन ले लेते हैं। अब लेकिन इस बार ये चीजें नहीं होने वाली है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कैसे भाई, आपका एडमिशन 10,000 प्लस स्कॉलरशिप पे कॉलेज ने ले लिया, फर्स्ट ईयर में आपसे 10,000 रुपए जमा कराए कि बाकी आपकी जो स्कॉलरशिप आएगी वो हमारी होगी। तो इस बार गवर्नमेंट ने बिल्कुल रूल क्लियर कर दिया है कि जिन बच्चों के 60% से कम मार्क्स होंगे उनकी स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं आने वाली है। दूसरा, जैसे आपका फर्स्ट ईयर में चलो 60% से आपके अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप आ गई, लेकिन आपने बीएड के फर्स्ट ईयर में आप 60% नहीं कैरी कर पाए तो फिर आपकी सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि आप किसी भी प्रकार के इस प्रकार के झांसे में ना आए कि आपका एडमिशन 10,000 में हो रहा है या 15,000 में हो रहा है। फिर कॉलेज क्या करता है, यदि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है तो आपसे पूरी फीस डिमांड करने लगता है। फिर कॉलेज कहता है कि कॉलेज की पूरी फीस आप कराइए, 51,250 रुपए जो है आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, यदि आपको एडमिशन लेना है स्कॉलरशिप बेस, कोई कॉलेज आपको स्कॉलरशिप दे रहे तो वहां से आप लिखवाइए कि जी आप अपने लेटर हेड पर लिखकर दीजिए कि अगर हमारी स्कॉलरशिप आए या ना आए हम कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करेंगे। क्योंकि इसको लेकर पीछे भी काफी सारे बच्चे परेशान हुए थे, काफी सारे जो कॉलेज हैं उन्होंने काफी ज्यादा बच्चों को परेशान किया था। तो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है, किसी भी इस प्रकार के झांसे में ना आए। हाँ, कॉलेज यदि अपनी तरफ से जैसे 51,250 रुपए फीस है उसमें आपको कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से जो हमारी स्कॉलरशिप यानी कि डिस्काउंट कर रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000, तो वो ठीक है, स्कॉलरशिप आए या ना आए वो मैटर उसको अलग रखिए। तो आप इस चीज का बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखिएगा, स्कॉलरशिप के झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। क्योंकि बच्चे होता क्या है कि आपका एडमिशन हो गया एक बार, अब बच्चा सोचता है कि यार मेरे 20,000 तो चले ही गए या 10,000 चले गए, 15,000 चले गए, अब मैं कोर्स छोड़ूंगा तो मेरी साल भी खराब होगी, इतना पैसा भी खराब होगा। तो वो क्या करता है, जब कॉलेज प्रेशर करता है तो फिर फीस मजबूरी में जमा करनी पड़ती है। तो इस बात का आपको एडमिशन लेने से पहले बहुत जरूरी है आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, इस बार कुछ कॉलेज बंद होने थे, यानी कि जिन्होंने अपना प्री अप्रेजल रिपोर्ट जो थी वो सबमिट नहीं की थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इस बार से वो लागू नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे यही एडवाइस करूंगा कि जहां से भी आप बीएड करें तो कॉलेज की एक बार मान्यता जरूर देख लीजिए, उसकी रेपो देख लीजिए, वो कॉलेज कितना है, चलने वाला है, चल पाएगा आगे या नहीं चल पाएगा। क्योंकि पता लगा इस बार तो अलाउ कर दिया, अगली बार वो आपका अप्लाई कर दिया प्री अप्रेजल रिपोर्ट के, कॉलेज को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है और उसमें पास नहीं हो पाया तो कॉलेज, हालांकि जैसे आपने इस बार एडमिशन लिया तो आपको तो सेशन पूरा कराया जाएगा, अगर कॉलेज बंद होता है तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आपने बीएड कहां से करी थी, वहां से, तो वो कॉलेज तो बंद हो चुका है तो उसका भी फर्क पड़ता है। तो आप बीएड करें, किसी अच्छे कॉलेज से ही आप बीएड करें। तो साथियों, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपका अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर यस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।